हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अस्टिलागो फंजाई के बारे में, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, सिम्टम्स, ये किस तरह के सिम्टम्स को कॉज करते हैं, इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एंड रिप्रोडक्शन में इनका सभी पूरी लाइफ प्रोसेस को देखेंगे। तो मैं आपको अस्टिलागो के बारे में कुछ जनरल थिंग्स बता दूं कि जो अस्टिलागो है उसकी अभी तक हमें 1400 स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हैं या नोन है, अभी तक रिप्रेजेंट की गई हैं। और अगर हम इनके नेचर की बात करें तो ये नेचर में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मीन्स फाउंड इन एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। और ये लूज स्मट डिसीज को कॉज करते हैं क्रॉप प्लांट्स में या सीरियल प्लांट्स में। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बताऊँ तो ओट प्लांट हो गया, मेज प्लांट हो गया, शुगर केन हो गया, मीन्स जितने भी सीरियल प्लांट्स होते हैं उनमें ये लूज स्मट डिसीज को कॉज करते हैं। क्या होता है स्मट का, मीन्स कोई स्मॉल फ्लेक की तरह या स्पॉट की तरह जो या डर्ट का या और भी किसी थिंग का एक तरह से पॉस्ट्यूल बन जाना, ठीक है। अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो अ फंगल डिसीज ऑफ सीरियल प्लांट्स इन विच पार्ट्स ऑफ द ईयर, मतलब जो ऊपर का पार्ट है वो चेंज हो जाता है, चेंज टू ब्लैक पाउडर, ठीक है, किसमें, ब्लैक पाउडर में चेंज हो जाता है जो ईयर पार्ट है, जैसा कि आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। तो क्या ऊपर का जो पार्ट होता है, ईयर पार्ट जो होता है, जैसे ओट हो गया, ओट जई होता है, मेज मक्का हो गया, शुगर केन गन्ना हो गया, तो इन सभी में क्या करते हैं, जो ईयर पार्ट होता है वहाँ पर ये डैमेज कॉज करते हैं, एक तरह से ब्लैक पाउडर की तरह बना लेते हैं स्ट्रक्चर को। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक पोजिशन। तो डियर, अगर हम इनके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो किंगडम फंगाई से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एंड डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास अस्टिलागो नो माइसिटीज, अस्टिलाजिनो माइसिटीज। ओके, आपको ध्यान रखना है क्लास अस्टिलाजिनो माइसिटीज, एंड ऑर्डर जो होगा वो अस्टिलाजिनेल्स होगा, एंड फैमिली अस्टिलाजिनेसी होगी, एंड जीनस अस्टिलागो होगा, एंड एक रसल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1806 में ये सिस्टमैटिक पोजिशन या क्लासिफिकेशन बताया था। ओके, तो डियर अगर हम इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो अस्टिलागो जो है वो फैमिली अस्टिलाजिनेसी का सबसे बड़ा एक तरह का जीनस है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता 1400 या 400 कॉस्मोपॉलिटन स्पीसीज से, ठीक है। एक बटलर एंड बिस्बी नाम के साइंटिस्ट थे, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, बटलर एंड बिस्बी 1958 में रिपोर्टेड किया था, इन्होंने 108 स्पीसीज को फ्रॉम इंडिया से कितने 108 स्पीसीज इन्होंने रिपोर्टेड किए थे, जिनमें सभी के सभी स्पीसीज कैसे थे, पैरासाइटिक, मींस ऑल स्पीसीज आर पैरासाइटिक, एंड इनफैक्ट द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द वीट, मतलब जो फ्लोरल पार्ट्स होता है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो पार्ट होता है फ्लोरल पार्ट जो होता है वहाँ पर ये बार्ली का हो गया, ओट का हो गया, मेज का हो गया, वीट, सुगर केन, बाजरा, राई एंड वाइल्ड ग्रासेस जो जितने भी होते हैं उनमें ये कॉज करते हैं। ओके, तो डियर अगर हम इनके नेमिंग की बात करें तो द नेम अस्टिलागो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो होता है अस्टस, कौन सा, अस्टस वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है बंट, क्यों, क्योंकि ये जो जीनस है इसका, ये जो अस्टिलागो जीनस है ये प्रोड्यूस करता है ब्लैक स्कूटी पाउडरी मास ऑफ द स्पोर्ट्स, ठीक है, होस्ट पार्ट पे या होस्ट प्लांट पार्ट पे, ठीक है, और एक तरह का बर्नड अपीयरेंस वहाँ पे कॉज करता है, इसीलिए जो अस्टस है, अस्टस का मीन्स होता है बर्न, उसी के बेस पर इसकी नेमिंग की गई अस्टिलागो, ठीक है। ये जो ब्लैक डस्टी मास है पोर्स का, ये शूट और स्मट, मतलब शूट को पूरी तरह से आप देख सकते हैं डिस्ट्रॉय कर देता है एक तरह से, तो इसीलिए इसे हम स्मट फंगस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्मट फंगस, दिस ब्लैक डस्टी मास ऑफ स्पोर्स रिसेम्बल शूट और स्मट, देयरफॉर कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज स्मट फंगस। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो डियर, ये जो फंगस है इसका काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही हैवी कॉज, एक तरह से मान लीजिए हैवी डिस्ट्रॉय या हैवी लॉस, जितने भी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट हैं जैसे कि मेज, बार्ली और ओट,
ईटीसी उन सभी में डिसीज कॉज करता है। तो द फंगस इज ऑफ मच इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बिकॉज इट कॉजेज हैवी लॉस टू वेरियस इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स। दिस जीनस इज वेरी कॉमन। ठीक है, कौन से कहाँ पे जो कॉमन प्लेसेस हैं वहाँ पे, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, देन पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सभी में मेनली फाउंड होते हैं और कॉज करते हैं डिसीजेस को। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें मेज में मैंने ये शो किया है। तो इस तरह से देखिए, जो ईयर पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, वहाँ पे ये डिसीज कॉज करते हैं, या देखिए स्मट की तरह कॉज कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लैक, ये व्हाइटिश पाउडरी, ये ब्लैकिश पाउडरी हल्का, उसी तरह में ये डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ अस्टिलागो, मीन्स जो अस्टिलागो होते हैं वो किस तरह के सिम्टम्स को कॉज करते हैं। तो अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो ये फ्लोरल पार्ट्स में, यानी द सिम्टम्स अपीयर ओनली ऑन द फ्लोरल पार्ट्स, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, हमें यहाँ पे मैंने शो किया है। ठीक है, तो जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं वहाँ पे डिसीज को कॉज करते हैं। ठीक है, जो फ्लोरल स्पाइक्स होते हैं वो टर्न हो जाते हैं ब्लैक में, और जो बाकी का जो स्पोर बनता है या स्मट स्पोर बनता है वो फिल्ड हो जाता है। किससे? स्मट मतलब जो एक तरह का ब्लैकिश पाउडरी से, द फ्लोरल स्पाइक्स टर्न ब्लैक एंड रिमेन फिल्ड विद द स्मट स्पोर्स। ठीक है, अस्टिलागो जो होते हैं दो तरह के सिम्टम्स को कॉज करते हैं, तो दोनों तरह के सिम्टम्स को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर वन सिम्टम डिस्कस करते हैं। सो डियर, नंबर फर्स्ट है द ब्लैकिश पाउडर ऑफ स्पोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जितने भी ये अस्टिलागोज होते हैं ये ब्लोन हो जाते हैं वाइन के थ्रू। ठीक है, या जितने भी मान लीजिए कोई इंसेक्ट के थ्रू हो गए, तो क्या होता है कि ये इनका जो डिसीज है वो एक तरह से सीड के अंदर कॉज होता है। ठीक है, बाहर से ये देखिए आपको ये ब्लैक इस तरह का शो होता है। ठीक है, तो इधर देखिए, द ब्लैकिश पाउडर ऑफ स्पोर्स इज ईजिली ब्लोन अवे बाय द वाइंड लीविंग अ बेयर स्टॉक ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, स्पेसी शोइंग सच सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स? जिसे हम लूज स्मट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लूज स्मट ऑफ स्मोट, जो सॉरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, लूज स्मट ऑफ ओट कॉज्ड बाय अस्टिलागो एवेनिया। आपको ध्यान रखना है कि लूज स्मट ऑफ ओट किससे कॉज होता है? अस्टिलागो एवेनिया से। यहाँ से कुछ स्पेसीज मैं बता रही हूँ आपको। अब ये है नंबर बी, लूज स्मट ऑफ बार्ली, ये कॉज होता है अस्टिलागो न्यूडा से। देन लूज स्मट ऑफ वीट, ये कॉज होता है अस्टिलागो न्यूडा एंड वार टिटिस राई ट्रिटी साई होता है। ठीक है, और जो लूज स्मट ऑफ डूब ग्रास है, जो अब हमें डूब ग्रास कहते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली पूजा वगैरह में यूज किया जाता है, वही डूब ग्रास या डूब घास, वो कॉज होता है उनमें अस्टिलागो साइनोडोंटिस से। ठीक है, अब नंबर सेकंड है, तो डियर सेकंड टाइप है कि द ब्लैकिश पाउडर ऑफ स्पोर्ट्स। इनमें क्या होता है कि जो वॉल होती है, मतलब आउटर जो कवरिंग होती है, उसके अंदर जो ग्रेन होता है उसमें कॉज होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, द ब्लैकिश पाउडर ऑफ स्पोर्ट्स रिमेन्स कवर्ड बाय द वॉल ऑफ द ग्रेन। ठीक है, जिसे हम पेरिडियम कहते हैं, जो आउटर वॉल होगी उसे हम कहेंगे पेरिडियम। ठीक है, एंड स्पोर्ट्स आर लिबरेटेड ओनली बाय द ब्रेकिंग ऑफ वॉल। और जो स्पोर्ट्स होते हैं, अस्टिलागो के स्पोर्ट्स होंगे, वो जब वॉल ये जो ब्रेक होगी तभी वो बाहर आ पाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग थ्रेसिंग, जब थ्रेसिंग होगी उस टाइम पर। ठीक है, स्पीसीज जो होती हैं कुछ सिम्टम्स को शो करते हैं। ठीक है, जिसे हम कवर्ड स्मट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कवर्ड स्मट, आपको ध्यान रखना, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली कॉज्ड बाय अस्टिलागो हॉडी एंड कवर्ड स्मट ऑफ ओट कॉज्ड बाय अस्टिलागो कॉलेरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो स्पीसीज आपको बता दिए, और इनके सिम्टम्स दो टाइप से होते हैं। ठीक है, एक में तो बाहर जो कवरिंग है उसके बाहर भी सिम्टम्स कॉज हो जाते हैं, एक क्या होता है कि कवरिंग के अंदर सिम्टम कॉज होते हैं बाहर से। और जो स्पोर्ट्स है वो लिबरेटेड कब होते हैं? जब वो कवर ओपन हो, कवर खुले। ठीक है, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अस्टिलागो। अगर हम इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है, मीन्स माइसीलियम ब्रांच्ड होगा, एंड सेप्टेट होगा, सेप्टेट का मीन्स है कि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, देन हाइलिन हाइलिन प्रेजेंट होता है, और इंटरसेलुलर होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर हॉस्टूरिया प्रेजेंट नहीं होता, मतलब नीचे की तरफ कोई ऐसा सबस्टेटम नहीं होता है जो होस्ट प्लांट से अटैच रहने में इनको हेल्प करे। ठीक है, और ये इनकी जो स्ट्रक्चर है वो दो
टू टाइप्स में डिवाइड होती है। ओके तो फर्स्ट टाइप है प्राइमरी माइसिलियम। प्राइमरी माइसिलियम जो होता है, मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, ये जो माइसिलियम है, इस तरह का माइसिलियम, इसे कहेंगे प्राइमरी माइसिलियम। तो इस तरह का माइसिलियम मोनोकैरियोटिक होता है, मतलब यूनिन्यूक्लिएट होता है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस एन प्रेजेंट होता है और फॉर्म होता है ये जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियो स्पोर से। इट इज मोनोकैरियोटिक मीन्स यूनिन्यूक्लिएट एंड फॉर्म बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियो स्पोर। ठीक है, और ये जो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये लाइफ करते हैं, या इनकी जो लाइफ साइकिल होती है या इनका जो लाइफ लिमिट होता है वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। सो डियर, नाउ वन इज सेकेंडरी माइसिलियम। अगर सेकेंडरी माइसिलियम की बात करें तो ये डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस जो होती है उससे बनते हैं, मीन्स जो प्राइमरी माइसिलियम होता है उसका डाइकैरियोटाइजेशन होता है उससे ये बनते हैं। जो डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस है वो मैं डीपली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो प्राइमरी माइसिलियम के डाइकैरियोटाइजेशन से बनते हैं और ये डाइकैरियोटिक होते हैं और बाय न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी माइसिलियम होता है वो पहले सिंगल न्यूक्लियस में होता है, एन होते हैं उसके अंदर, देन वो डाइकैरियोटिक हो जाते हैं तो उनमें टू एन न्यूक्लियस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बाय न्यूक्लिएट बन जाते हैं और एक्सटेंड करते हैं पार्टिकुलरली पूरी उनकी एंटायर लाइफ को, कैसे, टू एन स्टेज में, यानी मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज में। ठीक है, और बहुत सारे स्मर्ट जो होते हैं उनमें माइसिलियम जो है वो स्कैटर्ड होता है बहुत सारे पार्ट से होस्ट के, जैसे सिस्टमेटिक जो पार्ट होते हैं, सिस्टमिक पार्ट जो होते हैं, ठीक है, उनसे, जैसे कुछ स्मर्ट जो हैं, जैसे कॉर्न स्टम स्मर्ट, वो जो है कन्फाइड होता है होस्ट से, जिसे हम, जिस होस्ट को हम लोकलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इन मोस्ट स्मर्ट्स द माइसिलियम इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द होस्ट, इट इज सेड टू बी सिस्टमिक। However, in some smuts, corn smut, it is remains confined to certain parts of the host and is called localized. ठीक है, क्या कहेंगे उसे, localized। ये देख सकते हैं आप, ये secondary mycelium है। तो इस तरह की structure कुछ growth कर जाती है, then ये 2N structure होता है और multinucleate होता है। जो मैंने आपको basidio spore दिखाया था वो N structure होता है। सो डियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑस्टिलागो। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली टू टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। नंबर फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फर्मेंटेशन, जैसे मैंने बताया था फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे ये फ्रेगमेंट बना, ये डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, मतलब कोई भी टिश्यू का पार्ट है, उसके माइसिलियम का पार्ट है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। देन बडिंग, बडिंग तो आपको पता ही है कि कोई स्ट्रक्चर निकलती है, फिर उससे छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, फिर वो अलग हो जाता है और ग्रोथ कर लेता है न्यू माइसिलियम को। ठीक है, बेसिडियोपोर की बडिंग से होता है, बडिंग ऑफ बेसिडियोपोर एंड फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, यानी कोनिडिया के फॉर्मेशन से होता है। और कब होता है, जब रेयर ऑकरेंस होता है, रेयर केसेस होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अदरवाइज इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो डियर, अब डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ऑस्टिलागो की बात करें तो ये ऑटोसियस होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल होता है वो सिंगल होस्ट में, इट कम्प्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट। ठीक है, सेक्सेस आर कम्प्लीटली एब्सेंट, सेक्स इनमें नहीं होते, और दो काइंड्स के स्पोर ये इनकी लाइफ साइकिल के थ्रू, या जब इनकी लाइफ साइकिल होती है तब ये प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, टीलियोस्पोर, जिसे हम टीलियोटोस्पोर भी कहते हैं, एंड बेसिडियोस्पोर। ठीक है, और डियर इनकी जो थिक वॉल होती है वो डिफरेंशिएट होती है टू लेयर्स में। नंबर फर्स्ट आउटर थिक लेयर होती है, जिसे हम एक्साइन या एक्सोस्पोरियम कहते हैं, देन इनर थिन लेयर होती है, उसे हम एंटाइन या एंडोस्पोरियम कहते हैं। ठीक है, जो स्मर्ड स्पोर्स हैं वो डिसेमिनेटेड होते हैं वाइंड के थ्रू, इंसेक्ट या वाटर के थ्रू। ठीक है, स्मॉल रैचेस में या परसिस्ट होते हैं इन्फेक्टेड ईयर, जैसे कोई भी, हमने मान लिया कि ये देखिए मेज़ है, मेज़ का ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम ईयर पार्ट कहते हैं, तो ईयर पार्ट में ये एक तरह से ग्रोथ करते हैं, देन यहीं से वाइंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू, जो ये स्पोर्स हैं इनका, या टीलियो स्पोर्स हैं, टीलियोटो स्पोर हैं, उनका एक तरह से डिस्पर्जल हो जाता है। एक बार मैं आपको डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल बता दूं। ठीक है, तो देखिए ये था कोई मेज़ पे,
यहाँ पे इसके ईयर पार्ट पे ये बर्ड्स वगैरह ये थिंग्स प्रेजेंट थे, अस्टिलागो प्रेजेंट था, फंगस प्रेजेंट था, देन टेलियोस्पोर डिस्पर्ज हुए, डिस्पर्जल हुआ, देन ये देखिए थोड़ा सा ग्रोथ किया एंड मियोसिस प्रोसेस किया। मियोसिस करते जाएंगे ये नीचे की स्ट्रक्चर को हम बेसिडियम बोलेंगे एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा इसे कहेंगे बेसिडियोस्पोर। ठीक है, ये छोटे छोटे ये देखिए बेसिडियोस्पोर निकलेंगे, देन ये प्लाज्मोगैमी यानी प्लाज्मा का सेपरेशन करेंगे एंड कंजुगेशन करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर से एक तरह का इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। ठीक है, कोई भी नेक्स्ट प्लांट में जिस पे भी ये जाए। ठीक है, तो यही लाइफ साइकिल होती है एक तरह से। ये जो था ये सेप्रोफाइटिक लाइफ साइकिल करेंगे एंड देन ये जो है ये पैरासाइटिक लाइफ साइकिल करेंगे, मतलब ये किसी भी प्लांट पे करेंगे। ठीक है, तो डियर अब हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ टेलियोस्पोर या टेलियोटोस्पोर क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है आफ्टर डिस्पर्जल, मतलब जब डिस्पर्जन हो जाएगा तब उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे देन मॉइस्चर भी होना चाहिए और टेम्परेचर भी होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर और टेम्परेचर सुइटेबल इनको जब मिलेगा तब ये फॉलिंग होंगे सुइटेबल सबस्ट्रेटम पे, मीन्स फॉल होंगे लाइक सॉइल पे या ट्विक्स पे हो गए, ट्विक्स मतलब लीव्स पे हो गए। ठीक है, और स्मार्ट स्पोर जो है वो एक दिन में जर्मिनेट कर जाते हैं, स्मार्ट स्पोर्स जर्मिनेट विद इन अ डे। ठीक है, द एक्सोस्पोरियम रप्चर्स, एक्सोस्पोरियम जो उनका आउटर लेयर मैंने बताया था अभी आपको, वो क्या होगा, वो रप्चर होगा, देन जो एंडोस्पोरियम है वो कम्स आउट होगा, बाहर की तरफ आएगा, फॉर्म करेगा शॉर्ट प्रोमाइसिलियम को, प्रोमाइसिलियम या इसे हम एपी बेसिडियम भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सोस्पोरियम रप्चर्स एंड एंडोस्पोरियम कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट प्रोमाइसिलियम और एपिबेसिडियम। ठीक है, और प्रियर टू जर्मिनेशियम द टू न्यूक्लियाई, इनमें दो जर्मिनेट करेंगे न्यूक्लियाई, एक पॉजिटिव स्ट्रेन का होगा, ठीक है, एक होगा नेगेटिव स्ट्रेन का, माइनस स्ट्रेन का, अदर ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, ईच जो टेलियोटोस्पोर होंगे वो एक दूसरे को फ्यूज करेंगे और फॉर्म करेंगे सिनकैरियन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेलियोटोस्पोर का या टेलियोस्पोर का जर्मिनेशन शो किया है, तो देखिए ये इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन मिल करके कंजुगेशन करके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो डियर आफ्टर कंजुगेशन क्या होगा, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो माइग्रेट्स करेगा। ठीक है, प्रोमाइसिलियम में द डिप्लॉयड न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू प्रोमाइसिलियम एंड डिवाइड्स मियोटिकली, कैसे, मियोटिक डिवीजन करेगा, रिजल्टिंग क्या होगा कि रो ऑफ फोर न्यूक्लियाई, चार न्यूक्लियाई का रो बन जाएगा। ठीक है, और रो बनने के बाद, ठीक है, इसमें जैसे पॉजिटिव स्ट्रेन और दो जो स्ट्रेन थे वो आपस में कंजुगेट हुए, ठीक है, फिर फोर हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो रो बनेगा फोर न्यूक्लियाई का और थ्री ट्रांसवर्स जिसमें सेप्टा होंगे, ठीक है, लेट डाउन प्रोमाइसिलियम में और फॉर्म करेंगे फोर यूनी न्यूक्लियेट सेल्स का। देखिए थ्री ट्रांसवर्स सेप्टा आर लेट डाउन इन द प्रोमाइसिलियम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर यूनी न्यूक्लियेट सेल्स, मतलब क्या है कि चार बने थे, तीन उसमें लेट डाउन हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे एक तरह से, देन एक ग्रोथ करेगा। ईच यूनी न्यूक्लियेट सेल प्रोमाइसिलियम स्प्राउट्स अ बड लेटरली टुवर्ड्स द अपर एंड, जो सारे ये जो सेल्स होंगे ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगे, ठीक है, बड की तरह इस तरह से ऐसे ऐसे करके ग्रोथ करेंगे। तो देखिए ये स्ट्रक्चर को भी मैं आपको समझा दूँ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लाइफ साइकिल का। ठीक है, देखिए इंट्रासेलुलर माइसिलियम है किसी भी प्लांट का, सॉरी फंगस का। ठीक है, और ये होस्ट सेल्स है, देन ये देखिए ग्लाइकोजन बॉडीज ऑयल ड्रॉप्स वगैरह इनकी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्मार्ट स्पोर्स हैं, इनकी बॉडी के बीच में होस्ट प्लांट की बीच बीच में जो स्पोर्स बना लिए इन्होंने, इकट्ठा कर लिए, उसे कहेंगे स्मार्ट स्पोर्स। ठीक है, इनकी इंटाइन एंड एक्साइन लेयर होते हैं, बाहर की लेयर एक्साइन होते हैं एंड अंदर की लेयर इंटाइन होती है। देन ये जब न्यूक्लियस का डिविजन होता है उसे हम कैरियोगैमी कहते हैं, म्यूसिस प्रोसेस, प्रोमायसिलियम बना लेंगे, फिर जो प्रोमाइसिलियम था वो ग्रोथ करेगा और ये वेसिडियल सेल्स बनाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है। ठीक है, जो फोर हैप्लॉइड सेल्स थे वो इधर ये ग्रोथ कर रहे हैं, देन वेसिडियम बन रहा है और यही हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, क्या है, ग्रोथ करते जाएंगे, देन ये देखिए बडिंग की प्रोसेस और ये फिर से माइसिलियम बन जाएगा और होस्ट करेगा, होस्ट पे इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डियर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड किए माइटोटिकली इनटू टू, दो दो पार्ट्स में, और जिनमें वन विच जो था सेल
वो रिमेन्स बचा एंड अदर माइग्रेट्स कर गए डेवलपिंग बर्ड्स में, और जो न्यूक्लिएट्स बर्ड्स हैं उन्हें हमने बेसिडियो स्पोर्स कहा। ठीक है, आउट ऑफ फोर बेसिडियो फोर जो बेसिडियो स्पोर्स बने थे उनमें टू आर पॉजिटिव स्ट्रेन होंगे एंड टू आर नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे, लाइक ईस्ट की तरह। सिंगल बेसिडियो स्पोर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी बेसिडियो स्पोर को, ठीक है, या कोनिडिया भी बोलते हैं बेसिडियो स्पोर को, बडिंग की प्रोसेस के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो ये इस तरह से लाइफ साइकिल को करेंगे। तो क्या होगा आफ्टर जो जब ये बन जाएंगे बेसिडियो स्पोर, ठीक है, बनने के बाद होगा जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन में क्या होगा, जो सिंगल वॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट ओवल स्ट्रक्चर होता है राउंड शेप का, उसे हम कहते हैं बेसिडियो स्पोर। अभी ये देखिए, ठीक है, सिंगल राउंडेड स्ट्रक्चर ये बना, इसे हम कहेंगे बेसिडियो स्पोर। ठीक है, ये बेसिडियम है, देन ये बेसिडियल सेल्स हैं, पूरा अगर हम बोलें तो बेसिडियो स्पोर बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिडियो स्पोर बनेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर बेसिडियो स्पोर बनेंगे। कैसे, यूनिन्यूक्लिएट ओवल और राउंड शेप में होंगे, जर्मिनेट करेंगे फाइन जर्म ट्यूब के थ्रू, इन्फेक्शन ट्यूब जिसे हम बोलते हैं जर्म ट्यूब को, या इन्फेक्शन थ्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉइल पे करेंगे, नहीं तो यंग होस्ट प्लांट पे। ठीक है, सॉइल पे पहले ये एक तरह से मतलब अपने आप को अटैच कर लेंगे, देन कोई प्लांट मिलते ही उस पे ग्रोथ करेंगे या उसको इन्फेक्ट कर देंगे। द जर्म ट्यूब इज हैप्लॉइड। ठीक है, कैसे, हैप्लॉइड होती है या मोनो कैरियोटिक होती है, जब ये बाहर आती है या किसी के कांटेक्ट में आती है अपोजिट स्ट्रेन के, तब फ्यूज करती है और फॉर्म करते हैं डाइकैरियोटिक सेल्स को, जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोगैमी में मतलब कि प्लाज्मा शेयर होंगे, जितने भी इनके ऑर्गेनल्स वगैरह हैं वो डिवाइड होंगे, तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, जो कि बाद में डेवलप कर जाएंगे डाइकैरियोटिक माइसीलियम में, मतलब पहले सिंगल बेसिडियो स्पोर बना था जैसे मैंने आपको शो किया था, इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ ये देखिए, इस तरह से स्ट्रक्चर जो होगी सिंगल बेसिडियो स्पोर, देन ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर में बदल जाएंगे, जैसे ये आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, तो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर में ये चेंज हो गए। तो डियर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिप्लोडाइजेशन, जब ये डाइकैरियोटाइजेशन भी उसे कहते हैं, जब ये एक तरह के डिप्लॉयड सेल्स में चेंज हो जाएंगे या डिप्लॉयड न्यूक्लियस डेवलप कर जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिप्लोडाइजेशन या डाइकैरियोटाइजेशन। ठीक है, जो ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम है प्रोड्यूस करेगा टेलियोस्पोर को और इन्फेक्शन ट्यूब में जो है एक तरह से वो ग्रोथ करेगी माइसिलियम के ऊपर जाकर, जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर जाकर के। ठीक है, इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो एनेबल होते हैं टू ग्रो करने में, एंड पैरासाइटाइज होते हैं ओवरी में, और इनका जो है इन्फेक्शन जो है वो अपोजिट स्ट्रेन में ये फ्यूज करके एक तरह से डाई कैरियोटिक माइसिलियम को फॉर्म करते हैं, देन ये एक तरह से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, एक बार हम डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल को देखेंगे। देखिए, इन्फेक्शन था यहाँ पे, देखिए सोरस, इसे हम सोरस बोलते हैं, जितने भी ये छोटे छोटे कॉर्न ईयर पे शो हो रहे हैं आपको बेसिडियो स्पोर, ठीक है, स्पोर्स वगैरह, इसे हम सोरस कहेंगे। सोरस क्या किया, ये देखिए यहाँ पर स्पोरोजिनस हाइफा ये डेवलप हुआ, देन ये देखिए जिलेटिनस मैट्रिक्स वगैरह, इनमें सिंगल न्यूक्लियस ये सब प्रेजेंट है। टेलियोस्पोर बना, मैंने कहा था आपको ये बाहर इसे डिस्पर्स होंगे टेलियोस्पोर, देन जर्मिनेशन करेंगे, जर्मिनेशन करने के बाद ये बेसिडियोस्पोर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जर्मिनेट करा, इसे हम बेसिडियम कहेंगे, ये बेसिडियल सेल्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये बेसिडियम है, देन ये जो ऊपर की तरफ स्पोर्स दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम बेसिडियो स्पोर कहेंगे। बेसिडियो स्पोर अलग हो जाएंगे, देन अलग अलग स्ट्रेन के पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के जब आपस में कॉन्जुगेशन करेंगे देन फॉर्म करेंगे इन्फेक्शन, मीन्स देन फॉर्म करेंगे न्यू माइसिलियम। ठीक है, तो जो नया माइसिलियम होगा वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम होगा, तो इस प्रोसेस को हम डाइकैरियोटाइजेशन या डिप्लोडाइजेशन कहेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस इनकी लाइफ साइकिल, इसी तरह से ये न्यू माइसिलियम में ग्रोथ कर जाएंगे और यही इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डियर, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, स्किल समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाए। तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के अभी जल्दी ही स्टार्ट करूँगी वीडियोज़ अपलोड करना,
तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से प्यारे से टॉपिक के साथ। ओके, बाय।